हेलो हाय एंड वेलकम इन स्टडी गर्ल। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्लास सिक्स साइंस चैप्टर थ्री फाइबर टू फैब्रिक एक्सरसाइज। इन दिस लेक्चर इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर ऑल एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर थ्री फाइबर टू फैब्रिक। सो इफ यू वांट टू वॉच द वीडियो ऑफ डिटेल इन थियरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करें और थियरी वीडियो देखें जो कि आपके राइट में दिया है। और ये एक्सरसाइज मैं एनसीईआरटी बुक से कवर कर रहा हूँ। इसमें है आपके क्वेश्चन आंसर ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो सो आपका शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर एज अ नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर। इसमें हमें ये फाइबर दिए हैं, इसमें बताना है नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फाइबर्स हमारे नेचुरल होते हैं और सिंथेटिक। नेचुरल क्या होते हैं? जो फाइबर्स हमें प्लांट से या एनिमल सोर्सेज से प्राप्त हों वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल फाइबर। और सिंथेटिक विच फाइबर वॉज प्रिपेयर्ड बाई मैन मेड यूजिंग केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड सिंथेटिक। सो हमारा जो नायलॉन है, नायलॉन एंड पॉलिस्टर, ये दोनों नायलॉन और ये आपका पॉलिस्टर, ये हमारे दोनों किस में आते हैं? मैन मेड, जिसे हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। और ये उल, उल हमें मिलता है सीप से, गॉट से मिलता है। और ये कॉटन, कॉटन हमें प्लांट से मिलता है। और सिल्क मिलता है हमें सिल्क वाम से मिलता है। एंड जूट हमें मिलता है प्लांट से। सो उल, कॉटन, सिल्क एंड जूट, इसमें हम कह सकते हैं ये हमारे कौन से हुए? नेचुरल फाइबर्स, जो कि हमें प्लांट से मिले। सो आई रिपीट दिस, जो फाइबर्स हमें मैनमेड हों वो सिंथेटिक फाइबर। आपका पॉलिस्टर और नायलॉन केमिकल सब्सटेंस से बनाया जाता है। पॉलिस्टर एसिड और अल्कोहल के रिएक्शन से बनता है। सो ये दोनों मैनमेड हो गए। और ये हमारा उल, कॉटन, सिल्क एंड जूट हमारा हो गया नेचुरल। उल हमें मिलता है एनिमल से, कॉटन हमें मिलता है, कॉटन हमें प्लांट से मिलता है, और सिल्क भी हमें एनिमल से मिलता है, और जूट भी हमें प्लांट से मिलता है। ये हमारा हो गया नेचुरल, और प्लांट से जो मिलता है ये हमारा नेचुरल फाइबर्स हो गया। एंड सर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है इसमें ट्रू और फॉल्स। ये भी सेक्शन में ए टू जी तक डिवाइड है। पहला हमारा है यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। यार्न क्या होता है? यार्न जो बनते हैं ये हमारे फाइबर से, यस, इसको हम बोलेंगे ट्रू। यार्न क्या होता है? यार्न जिसे बोलते हैं धागा, हिंदी में हम धागा लेते हैं, ये किससे प्राप्त होते हैं? हिंदी में इसे वी कैन से इन हिंदी लैंग्वेज धागा जिसे बोलते हैं, ये किससे प्राप्त होते हैं? फाइबर, यस। हम क्या करते हैं? हम कॉटन को लेते हैं, फिर हम गिनिंग प्रोसेस को, कॉटन के रॉ मटेरियल को लिए, फिर हमने गिनिंग प्रोसेस से हम क्या बनाते हैं? फाइबर। और फिर हम स्पिनिंग प्रोसेस को यूज करके हम यार्न बनाते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, या आपका ए हुआ स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट ट्रू हुआ। स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर। अब इसमें क्या कह रहा है? जो प्रोसेस है स्पिनिंग, ये फॉल्स होगा। बी स्टेटमेंट इज फॉल्स, बिकॉज जो स्पिनिंग प्रोसेस होता है वह फाइबर से यार्न बनाने के लिए किया जाता है। और इसमें बोला स्पिनिंग प्रोसेस से क्या फाइबर्स बनते हैं? दिस इज नॉट द ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, एंड बी हो गया। आपका सी है जूट इज द आउटर कवर ऑफ कोकोनट। इसमें पूछ रहा है जो जूट होता है, सो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। जूट हमारा जो होता है वो प्लांट से प्राप्त होता है, नेचुरल फाइबर है, बट या कोकोनट का आउटर सोर्स से नहीं होता। जूट हमें मिलता है प्लांट के स्टेम से। जूट जो बनाने का, हमारे जूट कैसे प्लांट्स होते हैं वो प्लांट के स्टेम से। ये काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसेस है इस जूट को बनाने के लिए। और ये प्लांट्स और के स्टेम जो होते हैं इनको पहले इसकी कटाई की जाती है, फिर इसको पानी के अंदर सड़ाया जाता है, फिर उसके बाद जूट को निकाला जाता है। तो सो आपका जो सी स्टेटमेंट है जूट आउटर कवर ऑफ कोकोनट, नो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, यह स्टेटमेंट आपका फॉल्स होगा। नेक्स्ट है हमारा डी द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। यस, जो कॉटन होता है जिसे हम रुई बोलते हैं हिंदी में, कॉटन क्या करते हैं? हम रॉ मटेरियल्स लेते हैं, उसके आउटर कवर और सीड्स को निकालते हैं, इसी प्रोसेस को गिनिंग बोलते हैं। और उसके बाद गिनिंग के बाद हम दूसरा प्रोसेस यूज करते हैं, जिसमें गिनिंग से हम क्या बनाते हैं? फाइबर। फिर हम स्पिनिंग प्रोसेस को यूज करते हैं, हम यार्न बनाते हैं। सो ये हमारा जो डी स्टेटमेंट है, डी स्टेटमेंट इज हमारा ट्रू। एंड नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, वेविंग ऑफ यार्न मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। वेविंग क्या होता है? वेविंग प्रोसेस होता है जिसमें टू सेट ऑफ यार्न यूज करते हैं। वेविंग प्रोसेस में क्या होता है? एक ऐसे हॉरिजेंटल सेट ऑफ यार्न होते हैं और ये वर्टिकल, हॉरिजेंटल और टू सेट ऑफ यार्न का यूज करते हैं इसमें। मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक, यस बिल्कुल, वी यूज द टू सेट ऑफ यार्न एंड मेक अ फैब्रिक। कपड़ा बनाने के लिए हम टू पीस ऑफ वेविंग प्रोसेस में जो यार्न होते हैं ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल यूज करते हैं। सो दिस स्टेटमेंट, हमारा ई स्टेटमेंट क्या होगा? ई स्टेटमेंट इज ट्रू।
एंड नेक्स्ट है हमारा सिल्क फाइबर इज ऑब्टेंड फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट। सिल्क क्या कह रहा है, सिल्क स्टेम से प्राप्त होता है? नो, सिल्क हमारा नेचुरल है, नेचुरल फाइबर है। देन दिस इज स्टेटमेंट ट्रू, बट यह किससे, प्लांट से? नो, दिस इज नॉट ट्रू। सिल्क क्या होता है, सिल्क एक छोटा कीड़ा होता है, सिल्क वॉर्म, जो उससे कि हम सिल्क में प्राप्त होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स। पॉलिस्टर इज अ नेचुरल फाइबर? नो, हमने पहले आपको पहले ही क्वेश्चन बताया था कि फाइबर्स दो होते हैं, वन फर्स्ट होता है हमारा नेचुरल एंड सेकेंड होता है आर्टिफिशियल और मैन मेड सिंथेटिक फाइबर जिसे बोलते हैं। सो पॉलिस्टर हमारा क्या है, ये एल्कोहल के और एसिड के रिएक्शन से बनता है। सो दिस स्टेटमेंट इज द फॉल्स। एंड लास्ट स्टेटमेंट है आपका जी, पॉलिस्टर इज अ नेचुरल फाइबर। नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। फिल इन द ब्लैंक्स भी हमारा ए और बी है, दो सेक्शन में डिवाइड है। फिल इन द ब्लैंक्स हमारा क्वेश्चन नंबर हुआ 3। फिल इन द ब्लैंक्स, अगर आप एक बार बुक को रीड करते हैं अच्छे से और थियरी के वीडियो को देखते हैं, देन यू कैन सॉल्व इटसेल्फ ऑल क्वेश्चन आंसर। सो हमारा है पहला, प्लांट फाइबर आर ऑब्टेंड फ्रॉम एंड सीड। प्लांट फाइबर हमें कैसे मिलते हैं, जो फाइबर्स मिलते हैं प्लांट फाइबर, या तो उनके जो हमने जूट में पढ़ा था, जूट में हमें स्टेम से मिलते हैं। हम इस प्लांट को लेके पानी में सड़ाया जाता है, मिट्टी डाल करके फिर उसमें हम ये जूट प्रोसेस, जूट निकाला जाता है, ये हमें प्लांट के स्टेम से प्राप्त हुआ था। एंड नेक्स्ट जो कॉटन होता है, कॉटन में क्या करते हैं कि कॉटन में जो उनकी सीड होती है उसको रिमूव करते हैं, सीड को रिमूव करके हम कॉटन गॉट करते हैं। सो ये हमारा सीड एंड स्टेम, ये हमारा पहले फिलअप में भरा जाएगा ए वाले में, और ये सेकेंड में होगा सीड एंड स्टेम। एंड नेक्स्ट है हमारा बी, फिल इन द ब्लैंक्स, एनिमल फाइबर और कौन से हैं। एनिमल फाइबर में हमने यहाँ देखा था उल हो गया, उल से हमें मिल रहा था, और क्या दो फिलअप बनना, एनिमल फाइबर और पहला फिल एंड नेक्स्ट रहता है सिल्क। अभी हमने डिस्कस किया था एनिमल फाइबर में कौन कौन से होते हैं, हमने पढ़ा था कि उल हमारा कौन सा है, एनिमल फाइबर है, और एक सिल्क हमने बनाया था सिल्क वॉर्म, ये भी क्या है, सिल्क वॉर्म ऑलरेडी या एनिमल फाइबर सिल्क। ये उल हमें किससे मिलता है, सीप से मिलता है या गॉट से मिलता है या और अनदर एनिमल्स हैं। ये उल हमें जो सीप होती है वो एज अ कोल्ड रीजन, एज लाइक इज इन इंडिया यू गॉट इन नॉर्थ जम्मू कश्मीर में हमें उल यहाँ सीप होती है। एंड सिल्क क्या होता है, सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से होते हैं, ये कीड़े होते हैं जिनका हम यूज किया जाता है सिल्क के लिए, इनका बाकायदा हम अच्छे से बहुत अच्छे प्रोसेस से इनकी भी, जैसे हम कल्टीवेशन खेती करते हैं वैसे इनका भी पालन किया जाता है, एज लाइक एज बी जैसे मधुमक्खियों का पालन किया जाता है, वैसे सिल्क का भी सिल्क के लिए इनको पाला जाता है, जैसे मधुमक्खियों को हम हनी के लिए करते हैं वैसे सिल्क का हम वो मधुमक्खियों की तरह भी उनको भी पाला जाता है सिल्क के लिए। तो सो हम पहले में भरेंगे उल एंड नेक्स्ट में हम भरेंगे सिल्क, हमारे बी में पहला ऑप्शन हो गया उल, उल जो कि हमें एनिमल से मिलता है और हमें सिल्क मिलता है। नेक्स्ट है हमारा आंसर नंबर 4 में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आंसर नंबर 4 में है, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेंड। प्लांट के किस पार्ट से हैं, तो कॉटन हमें किससे मिलता है, कॉटन हमें किससे मिलता है, बहुत ही आसान है, कॉटन हमें उसके जो प्लांट का फ्रूट होता है उसे मिलता है, हम उसके सीड को रिमूव करते हैं। सो इसमें लिख सकते हैं हम कॉटन में क्या लिख सकते हैं, उसके हमें प्लांट से मिलता है, प्लांट में उसके फ्रूट से मिलता है और उसमें सीड रिमूव करके पाते हैं। एंड नेक्स्ट हमें जूट किससे मिलता है, जूट हमने बताया प्लांट होता है, प्लांट के हम स्टेम को पानी में मिट्टी उसके ऊपर रख के पानी के अंदर डुबो दिया जाता है, सड़ाया जाता है, आफ्टर 1 मंथ उसको रिमूव करके निकाला जाता है। तो सो हम इसमें लिख सकते हैं कॉटन हमें मिलता है उसके फ्रूट से मिलता है प्लांट के, और जूट मिलता है स्टेम से। हमारा आंसर हो जाएगा फ्रूट पहला, और ये हो जाएगा स्टीम, ये आंसर नंबर, दिस इज योर आंसर नंबर 4। हम इसमें आंसर वी कैन राइट आंसर नंबर 4 फ्रूट एंड स्टेम, एंड स्टेम ये हो गया हमारा। एंड नेक्स्ट है हमारा, नेम टू आइटम दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। हमें कोकोनट फाइबर से हमें बताना है, तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा हमारा मैट एंड रोप। आंसर नंबर 5 में वी कैन राइट द आंसर नंबर 5, आंसर नंबर 5 इज मैट। मैट इज़ द गुड एग्जाम्पल, एंड रोप जिसे, मैट हमारा चटाई हो गया, रोप जिसे रस्सा बोलते हैं, रस्सी या रस्सा बोलते हैं, बड़े बड़े बनाए जा सकते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा आंसर नंबर 6, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। दिस इज सो मच वेरी इजी, एक्सप्लेन करना है फाइबर फ्रॉम यार्न फ्रॉम फाइबर, फाइबर से हमें यार्न कैसे मिलता है। सो इसका सबसे अच्छा प्रोसेस है जो फाइबर होता है, फाइबर प्रोसेस, हम फाइबर को टेक करते हैं
फाइबर में एक प्रोसेस होता है हमारा स्पिनिंग, स्पिनिंग प्रोसेस से हम यार्न बनाते हैं। अब थोड़ा सा ये हो गया आपका एग्जांपल आंसर, आप ऐसे लिख दिए फाइबर स्पिनिंग प्रोसेस। अब स्पिनिंग प्रोसेस क्या होता है इन हिस्ट्री, इफ वी टॉकिंग अबाउट द हाउ टू मेक द वन इन हिस्ट्री, सो देन वी यूज इंस्ट्रूमेंट टकली एंड चरखा, चरखा जो कि गांधी जी ने बहुत ही इसको बढ़ावा दिया है। उससे क्या हुआ कि हमारे देश में एक अच्छा उस समय उद्योग का माहौल बना चरखे की, एक उससे पहले एक टकली इंस्ट्रूमेंट होता था उसका यूज करते थे, बट इन प्रेजेंट टाइम वी आर यूजिंग ए लॉट ऑफ मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, आल्सो अवेलेबल मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट टू मेक द यार्न। सो आपके जो चैप्टर में है वो स्पिनिंग प्रोसेस दिया गया है यार्न बनाने के लिए। बट थोड़ा सा हम पीछे आते हैं, फाइबर कैसे बनाते हैं, फाइबर हम कैसे बनाते हैं, हमने रॉ मटेरियल्स लिया और एक गिनिंग प्रोसेस होता है। गिनिंग प्रोसेस अब क्या है कि अब इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, वी यूज इंस्ट्रूमेंट, नहीं तो हम रिमूव करते थे बाय यूज ऑफ हैंड्स। गिनिंग प्रोसेस से फाइबर बनाते थे, स्पिनिंग से हम यार्न बनाते थे। बट आपको आंसर में लिखना है फाइबर से स्पिनिंग, ऐसे एक कॉलम बना के आपको बता देना है कि ये फाइबर से स्पिनिंग प्रोसेस से हम यार्न बनाया। सो मैंने आपका क्वेश्चन आंसर कवर कर दिया, और आपके फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स आप वीडियो को वन टाइम देखें, टू टाइम देखें, देन यू हैव द डाउट। अगर आपके पास डाउट है तो आपके पास कोई भी डाउट है देन यू कैन राइट योर डाउट इन कमेंट सेक्शन, आई गिव यू द आंसर। अगर आपको आप वीडियो को लेक्चर को क्लासमेट के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। आई विल बी राइट बैक विथ नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग स्टडी गर्ल, थैंक यू सो मच।